नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर टारगेट है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला घूमिए तो। हाँ हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला में आप सच में घूम सकते हैं। ये सच में पॉसिबल है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तब भी नहीं यकीन हो रहा, चलिए सर से पूछते हैं, वेटरन कैप्टन एस के सर से, उन पे तो यकीन होगा ना आपको। सर, नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी। जी बिल्कुल। और वो एनडीए घूम सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जा सकते हैं घूमने सर। एक आर्टिकल आया था, मैं बोल रहा हूँ बट यकीन नहीं हो रहा है इस पर। नहीं, नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही पढ़ा आपने जी। और ये चीज अलाउड है, संडेज के दिन ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाता है वहां पर। अच्छा, तो ये जितने बच्चे हैं ना, ये देखिए कहां मंदिर घूमने जाएंगे, कई टूरिस्ट स्पॉट घूमने जाएंगे, सपना देख रखा है एनडीए का। तो जिस चीज का सपना देख रखा है उसको भी घूम के आ जाओ एक बार। संडेज को सच में पॉसिबल है एनडीए? बिल्कुल संडे को पॉसिबल होता है सर। 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक का ये ट्रिप रखा जाता है एनडीए में जी। ये मोटिवेशनल ट्रिप होता है एनडीए की तरफ से। अच्छा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी, मतलब वो एस्पिरेंट जो सच में एनडीए का सपना देख रहा है, हमें आपको सुन रहा है जी, वो संडे को एनडीए खड़कवासला में विजिट कर सकता है, इररिस्पेक्टिव कि उसके फादर आर्मी एयरफोर्स नेवी में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बिल्कुल आप जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, अपने स्कूल, जो बहुत सारे स्कूल वाले भी अगर सुन रहे हैं तो स्कूल का ग्रुप आप टूर करा सकते हैं वहां पर। अच्छा, दीज आर ऑल मोटिवेशनल टूर्स जी जी, जो एनडीए खुद आपके लिए ऑर्गेनाइज करता है वहां पर। संडे के दिन परमिशन लेनी पड़ती है। तो संडे वाला शेड्यूल हैम्पर तो नहीं होता एनडीए का? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए एक लाइजन ऑफिसर वहां पर, जो कि एनसीओ होते हैं जी, वो वहां पर डिटेल किए जाएंगे उस दिन के लिए जी, और वो फिर उसको ट्रिप कराते हैं पूरा, जो जितने लोग पहुंचते हैं वहां पर। तो इंस्टीट्यूट्स अगर 15 या इससे ज्यादा के बच्चों को का ग्रुप लेकर के जा रहे हैं, या कोई स्कूल ऐसे ग्रुप को लेकर के जा रहा है, तो वो भी अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे और उनको गाड़ी की व्यवस्था अपनी खुद करनी पड़ती है। बाकी लोगों को जो गाड़ी है वो एनडीए खुद अपनी देती है। अच्छा, हाँ, तो एनडीए अपनी गाड़ी भी देगी, इनके साथ एक लाइजन ऑफिसर होगा जो इनको सारी चीजें समझा रहा होगा कि ये चीजें हैं। तो एनडीए में कहाँ कहाँ घुमाते हैं सर? सर ये देखिए, ऐसा शेड्यूल इसका क्या है कि ये 10:30 बजे एनडीए का जो त्रिशक्ति गेट है वहां पर ये रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, वहां तक के जाने की अपनी व्यवस्था आपकी खुद रहेगी, आप अपनी गाड़ी से जाएंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर कोई भी प्राइवेट व्हीकल, छोटी गाड़ी, जो कार वगैरह लेकर के जाएंगे वो अलाउड नहीं होता है। अच्छा, तो वो आप गेट के बाहर खड़ी कर देंगे, आप गेट पे रिपोर्ट करेंगे, फिर वो लाइजन ऑफिसर आपको लेकर के 10:30 बजे निकलेंगे वहां से। और जो सबसे पहला विजिट इनका आता है, दैट इज एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम के साथ जाएंगे ये। अच्छा, ठीक है, जो इसका टाइम शेड्यूल होता है जी, कि 10:30 बजे आपने रिपोर्ट किया, फिर 10:35 से लेकर के 10:50 तक ये 15 मिनट का विजिट होता है एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम के लिए। अच्छा, वहां जाएंगे, फिर 10:55 से लेकर के और 11:40 तक इनको जो है फिर ये आपका हबीबुल्ला हॉल में एक टेलीफिल्म दिखाई जाएगी, एनडीए की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। मूवी भी दिखा रहे हैं एनडीए में जी, क्या हाँ। बात है सर, आप हबीबुल्ला हॉल मतलब बहुत बड़ी जगह है, आप वहां बैठ करके वो फिल्म देखेंगे, क्या जज्बा जगेगा किसी के अंदर, कितना मोटिवेशन आएगा सर, मोटिवेशन आएगा सर। यही चीज तो है, देखिए कि एक बच्चा, इनको क्या लगता है एनडीए में अपीयर होने का मतलब है सिर्फ यूपीएससी का, एक तो फॉर्म भर लिया, फिर यूपीएससी का टेस्ट होगा, टेस्ट दे लो, पास कर लो, एसएसबी चले जाओ, मेडिकल हो जाए, मेरिट लिस्ट में आ जाओ, ये इनके लिए ये एक जर्नी ऐसी दिख रही है। मगर जो बच्चा सचमुच उस एनडीए को घूम करके आया होगा, जो हबीबुल्ला हॉल के अंदर बैठा होगा, जो सूडान ब्लॉक में चला होगा, उसको उसकी अहमियत सोचिए कितनी गहराई से समझ में आएगी कि यार मैं इस जगह आना चाहता हूं और मुझे ये लाइफ जीनी होगी, है ना। तो 11:40 पे वो फिल्म खत्म होगी आपकी, 11:40 के बाद 11:45 से 12 बजे तक आपको म्यूजियम का विजिट कराया जाएगा, एनडीए में जो म्यूजियम, हाँ एनडीए का जो अपना म्यूजियम, क्या बात है सर, उसका विजिट कराया जाएगा। 12 बजे वो खत्म हो गया, 12:05 से लेकर के 12:15 तक जो है फिर आप जाएंगे व्हाट यू कॉल सूडान ब्लॉक में, ठीक है। तो सूडान ब्लॉक का एक विजिट होगा, बट सूडान ब्लॉक की एक कंडीशन होती है सर। अच्छा, सूडान ब्लॉक में आप जीन्स, टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज, सैंडल्स, ये सब पहन करके नहीं जा सकते हैं। आपको एनडीए विजिट करना है तो फॉर्मल्स में जाना होगा। अच्छा, शर्ट पैंट फॉर्मल शूज, सही बात है, आप लोग एनडीए ज्वाइन करने वाले हो जी, तो बिल्कुल
उस ब्लॉक में फिर नहीं जाने दिया जाएगा। सूडान ब्लॉक में वही जाएंगे जो फॉर्मल शूज पहन करके फॉर्मल ड्रेसअप फॉर्मल गेटअप में आए हैं, उनको ले जाया जाएगा। 10 मिनट का आपका वो विजिट होगा वहां पर। सूडान ब्लॉक से फिर निकलेंगे आप लोग 12:20 से लेकर के 12:35 तक आपको कैडेट्स मेस दिखाया जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल है ना, जहाँ 2100 लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। आप देखेंगे कि क्या शानदार डाइनिंग हॉल है, ठीक है। और फिर उस डाइनिंग हॉल से जब आप निकलेंगे तो इक्विटेशन टीम जो होती है, जो घुड़सवार वाली जो टीम है जो हॉर्स राइडिंग वगैरह के कोर्सेज कराते हैं, उस टीम के पास जाएंगे। वहाँ आप देखेंगे कि कहाँ ये लोग घोड़े वगैरह चलाना सीखते हैं, है ना, कैसी ट्रेनिंग होती है ये। और फिर फाइनली 1 बजे आप वहाँ से डिपार्चर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जगह एनडीए में आपको घुमाई है, वहाँ के एनसीओ ने आपको ले जा करके एक एक चीज दिखाई है। और अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि फॉर्म भरना, पेपर की तैयारी करना, उससे ज़्यादा आपकी जो मेंटल प्रिपरेशन है वो दुगनी हो जाएगी जिस दिन आप सूडान ब्लॉक में चल के देखोगे, हबीबुल्ला हॉल में बैठ करके वो फिल्म देखोगे, और जब आप वहाँ की इक्विटेशन टीम वो कैडेट मैस देखोगे, ठीक है, वहाँ के म्यूजियम को देखोगे, और फिर आपको लगेगा कि यार 3 साल मैं यहाँ का हिस्सा बनने वाला हूँ। अब आपका जो जोश होगा ना, वो तैयारी दुगनी अलग ही लेवल होगी सर, अलग फ्रीक्वेंसी पे कैंडिडेट्स तैयार करेंगे। होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल सर, कि जब बच्चा वहां से वापस आएगा तो जायज बात है वो एक अलग जोन में तैयारी करेगा, उसकी खुद की तैयारी का जो लेवल है वो अलग हो जाएगा। सर ये पूरा प्रोसेस जहाँ पे आप मेल लिख रहे हो और वहाँ पे कर्नल साहब को, और हाँ कर्नल आईसी जो होते हैं, एडम आईसी जो होते हैं, उनको आपको मेल लिखना है या फिर आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस कितने दिन लगते हैं परमिशन? सर परमिशन ग्रांट करने में 48 घंटे लग जाते हैं बस। हाँ, यानी कि 2 दिन पहले मैं फ्राइडे को मेल करूं और मैं संडे को एनडीए पहुंच गया। हाँ पहुंच सकते हैं, बट और पहले करिए क्योंकि उसमें टाइम भी लगता है। और पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि जो विजिट आप करते हैं उससे पहले जो आपको मेल आया है उस नंबर पर दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि एनडीए एक कई कई बार क्या होता है सर कि कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं बीच में जिसकी वजह से वो ट्रिप कैंसिल किया जा सकता है। जी ठीक है, ये मोटिवेशनल ट्रिप है जिसका कोई कॉस्ट नहीं ले रही एनडीए आपसे, तो वो ट्रिप अगर अपने शेड्यूल की वजह से वो कैंसिल करते हैं जी, तो फिर आप उनसे पहले फॉर्म फोन करके पता कर लीजिए कि सर हाँ ये विजिट है तब हम आ रहे हैं वहां पर, और इससे आपको भी तकलीफ नहीं होगी और उन लोगों को भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। अच्छा ये पूरा प्रोसेस है? जी ये है प्रोसेस। तो एस्पिरेंट्स किसी संडे एनडीए आके तो देखो। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी के सपने देखना, एनडीए की तैयारी करना, इन सबसे ज्यादा जरूरी है एनडीए विजिट करना। डिफेंस एस्पिरेंट्स यहाँ मैं आपको बता दूं, पिछले 20 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी स्टार्टेड बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा, जो कि खुद एक्स एनडीए अल्फा स्क्वाड्रन थे, उसके बाद कर्नल पंकज मेहरोत्रा एक्स एनडीए, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर एक्स एनडीए, कर्नल एएस रावत सर एक्स एनडीए, कैप्टन एसके सर एक्स ओटीए लेकिन पिछले 20 सालों से लगातार हर 6 महीने में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एनडीए के रिजल्ट्स दे रहा है। एनडीए 151 में ऑल इंडिया 2 कैंडिडेट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से गए हैं, मयंक एंड अंकित शरण। एस्पिरेंट्स अगर आपका भी सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जुड़ें। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैचेस में हमारे ऑफिसेस इलाहाबाद, दिल्ली, देहरादून एंड रांची में है। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हंटर कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। हंटर कोर्स वो कोर्स है जो एनडीए 1 2024 को टारगेट करते हुए बनाया गया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अपने जीवन का एक कीमती संडे आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में बिताएं। इसी उपदेश के साथ हमने यह वीडियो बनाई थी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज, जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।